तो सबसे पहले जो रोशनी डाली, जिस वक्त लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आज हमारे प्रधानमंत्री का नारा है झूठा नारा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जबकि सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। लेकिन चलिए गरीब प्रशासन ने सबसे पहले हमें दर्श किया है कि बेटी रहमत है, जिसने अपनी बेटी की परवरिश की उसने दुनिया के जन्नत को पा लिया। इसलिए मैं बेटी पर तकरीर पेश करने के लिए दावा देता हूँ सायरा पटेल को कि वाह अपनी तकरीर को। आज पूरी दुनिया में इंग्लिश का दौर है और मेरी भी और हम सब की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में हो या अदर लैंग्वेज में हो कामयाब हो। इसलिए कि हमारा जो देश है यहाँ बहुभाषिकता पर जोर दिया जाता है। हमारे देश में आरटीई एक्ट के तहत जो एजुकेशन लागू है उसमें भी नियम बना हुआ है, आप किसी भी स्कूल में कुछ भी पढ़ाएं, चाहे वो कर्नाटक में हो, बेंगलोर में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, आपके स्कूल में तीन लैंग्वेज होनी जरूरी है। त्रिभाषा सूत्र के तहत हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, चाहे स्कूल हो चाहे मदरसा हो कहीं भी हो, ये कानून लागू है। मैं दावा देता हूँ मोहम्मद अनस को कि ग्रेट मैन ऑफ इंडिया इंग्लिश में अपनी तकरीर पेश करें। आई एम कॉलिंग मोहम्मद अनस फॉर जस्ट योर स्पीच ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। इंडिया ठीक है। इंडिया ने वो पता अल्लाह जी नमस्ते सुरेश्वर नमस्ते सुरेश्वर योर ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड गेस्ट फर्स्ट ऑल ऑफ यू अस्सलाम वालेकुम। India has produced great money, great man Mahatma Gandhi was also one of them. He was born on October 1869. His full name was Lal Chandra Gandhi, address of M. Place, his parents Gandhi, as well as his family. Very much he is called father of the nation. He wanted MDS Raman to see India. अबू बकर और अबू जर जो मुकालमा है वो आए और अपना मुकालमा पेश करें।
शानू हुसैन विद ग्रुप फातिहा के लिए तैयार हैं। मैं ऊपर करूं